जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की छठी किश्त जारी करने जा रहे हैं। योजना का ऐप भी लॉन्च किया है और यहां पर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जगदलपुर की तस्वीरें हैं। महतारी वंदन योजना की छठी किश्त, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कलेक्टर बस्तर माननीय विजय दयाराम सर को कि वो आए और माननीय मंत्री केदार कश्यप जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात एसपी बस्तर माननीय श्री सलभ सिन्हा जी आप आए और माननीय केदार कश्यप जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात सीएम के बाद अब मंत्रियों का स्वागत अभिनंदन यहां पर स्टेज पर किया जा रहा है। केदार कश्यप जी का स्वागत, महतारी वंदन योजना छठी किश्त इसकी आज खातों में पहुंच रही है। माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर श्री विजय दयाराम सर साथ ही योजना का आज श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। इसके पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बस्तर प्रकाश सर्विसेज से मेरा निवेदन कि वो आए और माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्री किरण देव जी विधायक जगदलपुर, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम सर को कि वो आए और पुष्पगुच्छ से माननीय श्री किरण देव जी का स्वागत करें। माननीय श्री विनायक गोयल जी विधायक चित्रकूट, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदलपुर प्रकाश सर्विसर को कि वो आए और माननीय श्री विनायक गोयल जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करें। माननीय श्रीमती वेदवती कश्यप जी के बाद भोपाल की, जहां युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बदमाशों के गैंग ने युवक पर वार किया। सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। 6 से 7 बदमाश इसमें हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर के बाद भी बदमाश पकड़े नहीं गए। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र का मामला है ये। देखिए वहां लगे कैमरे में ये फोटो, ये तस्वीरें, ये वाक्य, ये पूरी वारदात है वो रिकॉर्ड हो गई है और अब इसी फुटेज के आधार पर तफ्तीश की जा रही है। तो राजधानी में ये बदमाशों का आतंक है। ये भोपाल की तस्वीरें हैं और राजधानी में अगर इस तरह से खुलेआम वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के मन में खाकी और खाकीधारियों को लेकर कितना खौफ होगा। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया है। सभी लोग घेर कर उसे पीट रहे हैं। बदमाशों का ये पूरा एक गैंग दिखाई दे रहा है। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, ये राजधानी का हाल है, तस्वीरें देखकर तो यही सवाल सबसे पहले मन के अंदर आता है। बिल्कुल, देखिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो राजधानी भोपाल की सड़कों पर नजर आ रही हैं। कभी सीसीटीवी के कैमरे में कैद होती हैं, कभी मोबाइल कैमरे में कैद होती हैं। वीडियो जमकर वायरल होते हैं और पूरे इलाके में, पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हाल का जो मामला है वो अशोक गार्डन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवक को 5-6 बदमाश घेर के मार रहे हैं, चाकुओं से हमला कर रहे हैं, धारदार हथियारों से जो है वो हमला किया जा रहा है और अब तक जो है कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई। पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है लेकिन जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, वो गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में कमिश्नरेट सिस्टम जरूर भोपाल में लागू कर दिया गया है लेकिन इस सिस्टम का असर कब दिखाई देगा, बदमाशों की धरपकड़ कब तेज होगी, ये बदमाशों के जो हौसले हैं और हर बदमाश जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहा है, ये स्थितियां कब तक बनी रहेंगी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले भोपाल में बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं और इस तरीके के मामलों में जब बढ़ोतरी होती तो जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, वो भी अपने आप को खौफजदा महसूस करते हैं। डर लगा रहता है कि कब कोई घटना, कोई अनहोनी हमारे साथ ना हो जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो घरों से बाहर निकल के एग्जाम्स के लिए जाते हैं, स्कूल्स के लिए जाते हैं, कॉलेजेस के लिए जाते हैं, तो माता पिता घर में लगातार चिंतित बने रहते हैं जब तक वो घर ना आ जाए। तो ऐसा जब माहौल है तो खासतौर पर जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो वहां पर जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं और जो चिंता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद हम यही करते हैं कि जब इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो भोपाल में पुलिसिंग और भी ज्यादा सख्त की जाएगी और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें हवालात के पीछे भेजा जाएगा। जी धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए वासु।
बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां आशा कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी और लूट हुई है। ट्रेनिंग सेंटर जाने के दौरान छेड़खानी की घटना हुई है। आशा कार्यकर्ता का दुपट्टा खींचकर जमीन पर गिराया गया। बाइक सवार चार बदमाश पर छीन कर भागे। सुनसान इलाके में ट्रेनिंग सेंटर खोलने को लेकर सवाल उठे। घटना से आशा कार्यकर्ताओं में डर का माहौल। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन बताएं, जानकारी दीजिए। ये पूरी घटना आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे की है, जब रिंकी नाम की एक आशा कार्यकर्ता धामापुर क्षेत्र के टेस्टिंग रोड में बनाए गए ट्रेनिंग सेंटर में जा रही थी। नेशनल हेल्थ मिशन का ये ट्रेनिंग सेंटर है जो एक एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा है। सुबह जब वह पैदल जा रही थी तभी बाइक पर हेलमेट पहनकर चार बदमाश आए, जिन्होंने पहले तो उसके साथ में छेड़खानी की और उसके बाद उसका दुपट्टा खींचकर उसे सड़क पर गिरा दिया और इसके बाद उसका पर्स छीनकर भाग निकले। फिलहाल इस घटना से आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने शिकायत की है स्वास्थ्य विभाग से और पुलिस से और ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही जो घायल महिला है आशा कार्यकर्ता रिकी, उसका भी इलाज कराया जा रहा है और इसके साथ ही इस बात पर जोर भी दिया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में लगातार पुलिस की गश्त होती रहे ताकि बदमाशों को किसी भी प्रकार की हरकत करने का या वारदात करने का मौका न मिल सके, उनमें पुलिस का डर बना रहे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी में आज एनएसयूआई ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे की अगुवाई में जीवाजी यूनिवर्सिटी के गेट पर जोरदार नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बता दें कि एनएसयूआई ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी का गेट छावनी में तब्दील दिखा। पुलिस ने यहां भारी बैरिकेडिंग की हुई थी। प्रोटेस्ट के दौरान जब एनएसयूआई कार्यकर्ता उग्र होकर गेट के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो फिर पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। हालांकि जब एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लांग कर गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने करीब 25-30 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया। कुछ नहीं मिलेगा इन्हें गिरफ्तार करने से हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं। हमें चोट लगी है पर हमारे पास के छात्र है उनके और यूथ कांग्रेस के स्टेट लीडर भी था इनके साथ। इनका छात्राओं के लेके कुछ कोर्सेस को लेके कुछ डिमांड्स था, उसी को लेके इनका पहले भी आवेदन दे चुका है, ज्ञापन दे चुका है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये बोल के इन लोग आज विश्वविद्यालय के घेराव प्लान किया है, उसका अनाउंसमेंट किया। फिर कुछ लोग अंदर घुसने का प्रयास किया, बैरिकेड तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया तो पुलिस को कुछ बल प्रयोग का आवश्यकता लगा। तो जो इनका नेता है और वो सिटिंग किया था, उनको पहले बाहर जाने का मौका दिया था बट वो अड़े रहे और मना किया तो इनको गिरफ्तार करके हम जेल कंपाउंड भेज दिया है। आगे की कार्रवाई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करेंगे। एमपी के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान का उपन्यास फिर सुर्खियों में है। नियाज खान का उपन्यास वॉर अगेंस्ट कलयुग में सनातन राष्ट्र को लेकर समर्थन किया है। उपन्यास में नियाज खान ने कई विवादित मुद्दे उठाए हैं। नियाज खान ने इस उपन्यास में लिखा है कि सनातन राष्ट्र में ब्राह्मण शिक्षा और पूजा पाठ का काम करेंगे, ब्राह्मण राष्ट्र के मार्गदर्शक होंगे, इन्हें सनातन पति नाम दिया है। सनातन पति यानी धर्म का केंद्र बिंदु जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार होगा। पार्लियामेंट के कानून भी सनातन पति सलाह लेकर बनाए जाएंगे। राष्ट्र में विकास शब्द पर प्रतिबंध लगेगा और जीवन को प्रकृति के निकट लाया जाएगा। उपन्यास में लिखा, लोकतंत्र गोरों की देन, इसीलिए भारत में लोकतंत्र और धर्म को मिलाकर धर्मतंत्र बनाया जाएगा। ब्राह्मण को धोती, खड़ाऊ और जनेऊ पहनना अनिवार्य होगा, सर पर शिखा रखनी होगी। उन्होंने अपनी किताब में बॉलीवुड को सनातन की राह में सबसे बड़ी बाधा बताया है। आईएएस नियाज खान ने अपनी किताब वॉर अगेंस्ट कलयुग पर हो रहे विवाद पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने अपने उपन्यास को देश को जोड़ने वाला बताया। नए उपन्यास
वॉर अगेंस्ट कलयुग को लेकर आईएएस नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में है, उनका उपन्यास भी और इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है। देखिए विवाद कदापि नहीं कहेंगे, एक्चुअली जो लोग भूल चुके हैं सनातन धर्म को या समय के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति में हम अपने धर्म को भूल गए हैं, हमारा क्या धर्म था, हमारा धार्मिक स्थल किस प्रकार से, क्या हमारा आचार विचार था, कैसे संयुक्त फैमिली थी, किस प्रकार से धार्मिक संस्थाएं थी, किस प्रकार पूजा पद्धति थी। तो कहीं ना कहीं विवाद के बजाय मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इतिहास को जानो। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म को पालन करता है, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म है और जो सौहार्द पे भाईचारे पे सह अस्तित्व की बात करता है, भाईचारे प्रेम की बात करता है, तो इसलिए विवाद शब्द कहना उचित नहीं है, बल्कि देश जो हम भटक गए हैं गुमराह हो चुका है, सबको वापस लाकर सनातन पर केंद्रित करना चाह रहा ताकि विश्व में एक शक्तिशाली सनातन राष्ट्र स्थापित किया जा सके। सनातन पति की बात कही आपने, कहा उनको सलाहकार बना देना चाहिए पीएम का, राष्ट्रपति का, तो ये कैसे संभव? जगदलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महतारी वंदन योजना की छठी किस्त आज जारी की गई है और यहां जगदलपुर में इस कार्यक्रम में सीएम साय मौजूद हैं। आज योजना का एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, इसीलिए इस कार्यक्रम में इस उपलक्ष्य पर यहां मुख्यमंत्री साय और उनके मंत्री यहां पर मौजूद हैं। उसका भी शुभारंभ करने का कष्ट करें, रिमोट का बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च करें जिसके अंतर्गत सभी हमारी बहनों को जो सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐप के माध्यम से सभी माता बहनों हितग्राहियों को प्रथम सप्ताह में जो उनके खातों में राशि अंतरित होती है उसकी जानकारी मिल पाएगी। असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो इस ऐप के माध्यम से उसकी जानकारी आप दे सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। यदि कोई शिकायत है इस योजना के अंतर्गत तो भी आप इस ऐप के माध्यम से आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनायक गोयल जी को। बोल भारत माता की, भारत माता की। आज महातारी वंदना योजना के तहत एक पेड़ मां चो नाम ने हम तो छत्तीसगढ़ चो मुखिया सम्मानी आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम तो छत्तीसगढ़ चो शासन चो मंत्री सम्मानी केदार कश्यप जी, हम चो मंत्री बाल विकास विभाग चो मंत्री सम्मानी हम चो लक्ष्मी मैडम जी, राजवाड़ी जी, आम च जगदलपुर चो विधायक सम्मानीय किरण देव जी, जगदलपुर चो महापौर हमारे मैडम जी, कलेक्टर साहब, हमारे जिला आम चो जिला चो अध्यक्ष सम्मानीय रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व चो सांसद सम्मानीय दिनेश कश्यप जी, आम चो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय वेदवेती कश्यप जी, मध्य भैया जी मंच सभी आम चो वरिष्ठ कार्यकर्तागण और सभी विभाग चो अधिकारीगण और गांव चो इला जितना बोली रहा आम चो स्व सहायता समूह चो माता मन बहन मन सभी विभाग चो पत्रकार बंधु मन, आज जसन की ये महातारी वंदना चो आमी छठ मा किस्त जो आम चो मुख्यमंत्री चो द्वारा आम चो लोग चो खाता में जो आम चो बहन मन चो खाता में गेली से, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार बनू 7 महीना होली, चुनाव ने पहले आम चो एसएसबी मुख्यमंत्री बोल रहा कि माता बहन मन के 1,000 रुपया देवा बोले, 1,000 रुपया मात छठ माह किस्त मन जो खाता में गेली से जोरदार आम चो मुख्यमंत्री नाम ताली बजा दिया। आज माँ के नाम एक पेड़ पूरा भारत में आम चो माँ के नाम चो पेड़ लगे से कि आम चो जो लगातार ऑक्सीजन में गर्मी में हम कायत हूं से, ये सरकार जो मोदी जो सोचा है कि हर माता के हर बहन के
हर कार्यकर्ता के हर व्यक्ति के पौधा लगातार जरूरी है। इतना समय में हम अच्छा ऑक्सीजन मेरे पौधा लगाओ, क्योंकि बड़े बड़े तो उद्योग लगे से, मगर उद्योग के कारण हमकी गर्मी बढ़े से। आज पिछले समय हम कहता 40 से 45 डिग्री हम तो जगदलपुर में दखलू। आज सरकार जो अच्छा मंशा है, अच्छा सोच है, पेड़ छे मादे में सरकार की योजना के लोग तक पहुंचन बाती, घर घर तक पौधा लगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो सरकार की सोच है। माता मन चुनाव ले पहले 7 महीना जो अंदर में हम तो राज्य से सरकार विष्णु देसा जो सरकार इतना उपलब्धि कर ली, चाहे हम जो माता बहन मन काजे हो, चाहे किसान मन काजे हो, हर व्यक्ति काजे 7 महीना जो अंदर में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसान काज किसान निधि हो, चाहे किसान जो बोनस हो, ये सारा चीज 7 महीना जो अंदर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम जो विष्णु देवता सरकार जो। आज हमी बहुत सरकार इला कांग्रेस सरकार बोल ली, मैं यही करूंगा हूं करूंगा, मगर कहीं नहीं कर ली। 7 महीना के अंदर में हम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत सारा योजना के अनुबंध खड़ी कर ली। आज उन योजना का लाभ दौर से आज तुम जो समक्ष है अखलास सभी माता मन जो खाता में डेली पैसा केंद्र जो योजना चले शाम के, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हम के प्रधानमंत्री आवास हो, हर पंचायत में हम दोकू से कोने ताने 100 उठान, कोने ताने 200 उठान, कोने ताने 300 उठान। ये मोदी जो सोचा है कि गांव में भले हम चो खपरा कुड़िया नहीं रहो, हर घर में बिल्डिंग घर रहो, हर घर में शौचालय बनो, हर घर में पानी रहो, हर घर में उनका नल योजना चालू कर लो। ये सभी योजना के हमके लोग तक पहुंचा तो पाजे हम प्रयास करू पड़े दे, लोग के चाहे माता बहन के हो, चाहे आम के हो, सभी के सहयोग करू पड़े दे। 2047 तक भारत के विकसित बनाता रहे, उनका सभी जो सहयोग सभी जो आशीर्वाद में हम के इतना समय में 2047 में भारत के विकसित करूंगा, हम बस्तर के विकसित करूंगा, हम केताले अच्छा से अच्छा हम जो गांव और देश के पंचायत के आगे बढ़ाता रहे। मैं इतनी बोलूं बाती मोछवाणी कहता विराम देने से, जय छत्तीसगढ़ जय बस्तर। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण देव जी को। खिंडी गुहार लगाए से सपा जन के हाथ जोड़न बाती, खिंडी भारत माता की जयकारा में मुझे साथ दिया से बोलो भारत माता की खूबे खूबे धन्यवाद। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर और हम सब के बीच एक पेड़ मां के नाम, मोदी जी की जो परिकल्पना है और विशेष रूप से महतारी वंदन के इस कार्यक्रम के एक साथ एक मुश्त जो प्रत्येक महीना की पहली तारीख को सभी बहनों के हमारे करीब 70 लाख के आसपास के ऐसे बहनों के खाते में जाने का है, और इतनी बारिश में, इतना तेज बारिश होने के बावजूद भी और उसके बाद भी बस्तर में आके, बस्तर में आज ये एक बटन दबाकर और इस राशि का आप सभी के खाते में, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों के खाते में पैसा डालने के लिए हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके बीच में हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार करतल धोनी से सब अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें। आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी हमारे बस्तर के लाडले सपूत, और ताली बजते रहे हमारे, देखिए ऐसी योजनाएं, और हमारे मंत्री जी पधारी हैं महतारी वंदन में, और लक्ष्मी राजवाड़े जी, साथ ही जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय वेदवती कश्यप जी, यहां के हमारे
विधायक अभी अभी जिन्होंने आपके समक्ष अपना विषय रखा, चित्रकूट के विनायक गोयल जी, हमारे महापौर जी आदरणीय सफीरा साहू जी, पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप सिंह मंडावी जी, पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता रूप सिंह मंडावी जी, हमारे सभी मंचस्थ पूर्व विधायक, हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुभाव कश्यप जी।